ये अपनी कुर्सी बचाने की खातिर जो है अपने कप्तान को, अपने चीफ सेलेक्टर को, अपने सीनियर प्लेयर्स को ये सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब क्या होगा, एक हडल बनेगा एक्स क्रिकेटर्स का, वो आएंगे और गुजारशात देंगे। ये आप कब से सुन रहे हैं, ये टाइम मेमोरियल से हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं ना सो कॉल्ड, ये सिस्टम के थ्रू नहीं क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई होती है, वो जान मार के हर जगह से ऊपर वहां पे तक पहुंचते हैं क्योंकि उनको गेम का आइडिया भी हो जाता है। यहाँ पे कैसे आइडिया होता है, कोई साफी है उसको आप चेयरमैन लगा देते हैं, कोई शुगर मिल ओनर है उसको चेयरमैन लगा देते हैं, तो ये कैसे, इनको आइडिया कुछ नहीं है गेम कैसे रन करनी है। सो रेपुटेशन पे खेलना बंद होना चाहिए। आई थिंक आप देखें कि प्लेयर जो है वो कितने पानी में है और फिर उसके बाद जो है कितनी फॉर्म है। आजकल का स्टेटिस्टिकल एज है, आजकल आप पंच अप देखते हैं, आजकल आप मैच अप देखते हैं, आजकल आप देखते हैं कि पार प्ले में आपकी क्या परफॉर्मेंस है और सेकंड फेज और थर्ड फेज में क्या है। सो अगर आप एक मैच, दो मैच, पांच मैच, सात मैच, कितने मैच देंगे आप किसी को कि वो आगे चल के परफॉर्मेंस करे, और उस वक्त तक किस्सा ही खत्म हो जाता है। सो ये पाकिस्तान का मसला है कि बहुत ज्यादा लंबी आप एक कईयों के लिए बना देते हैं रास्ता कि वो फॉर्म में हो ना हो, स्कोर कर रहे हो ना कर रहे हो, विकेट ले रहे हो ना रहे हो, वो पक्के हैं। और ये एक एक मैसिव चेंज की जरूरत है यहाँ पे। तो लास्ट मैंने काउंट किया था कोई 13-14 प्लेयर्स हैं सर्किट में फास्ट बॉलिंग के जो कि 140 पे बॉल करते हैं जी। तो आप इस तरह से फिक्सेटेड हो जाते हैं पास परफॉर्मेंस के ऊपर कि फिर आप नए बंदों को लेके भी नहीं आते हैं।